एसटीएससी विधायकों से भेदभाव वाले बयान ने अब राजस्थान में तूल पकड़ ली है। वहीं पायलट खेमे के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा के बगावती तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लिहाजा प्रदेश कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे विवाद को हल करने के लिए खुद प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है। जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी के दफ्तर ने इस पूरे प्रकरण में राजस्थान कांग्रेस से रिपोर्ट तलब की है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल राजस्थान कांग्रेस में बगावत के बाद सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों की कांग्रेस में दोबारा एंट्री करवाने में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका अदा की थी। इसके साथ ही पायलट खेमे के सीनियर विधायक रमेश मीणा ने विधानसभा में चल रही कार्यवाही के दौरान यह आरोप लगाया कि सरकार एससी एसटी और अल्पसंख्यक विधायकों के साथ भेदभाव करती है। इससे पहले भी स्पीकर सीपी जोशी और रमेश मीणा भी सदन में इस मामले को लेकर तीखी बहस हो चुकी है। रमेश मीणा ने इस दौरान कहा था कि वो भ्रष्टाचार का एक मामला उठाना चाहते थे लेकिन उठा नहीं पाए। यही नहीं, मीणा ने इस दौरान ये आरोप भी गहलोत सरकार पर जड़ा कि सत्ताधारी पार्टी के दलित विधायकों को विधानसभा सदन में ऐसी सीटें दी जा रही हैं जिन पर माइक नहीं है। आपको बता दें कि रमेश मीणा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस विधायक की समस्या राहुल गांधी के सामने रखने के लिए समय मांगा है, यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जानकारों की माने तो उनके इस्तीफे के बाद करने से पहले राजस्थान कांग्रेस में खलबली मची हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आगामी दिनों में प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी एकजुटता का संदेश देना चाहती है। यही वजह बताई जा रही है कि पूरे मामले को प्रियंका गांधी ने संज्ञान में लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी राजस्थान में गहलोत पायलट की दूरियों को क्या कम कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।